आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि प्रेग्नेंट होने के लिए पीरियड के कितने दिन बाद रिलेशन बनाने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेग्नेंट होने के लिए ओविलेशन पीरियड का सबसे अच्छा टाइम होता है। यह एक तरह से पीरियड से जुड़ा ही टाइम है। ओविलेशन पीरियड कब शुरू होता है यह जानने से पहले यह समझ लें कि हर महिला का ओविलेशन का टाइम अलग अलग होता है, और ओविलेशन का टाइम जानने के लिए आपको पीरियड्स के टाइम का पता होना ज़रूरी है, क्योंकि इससे आप आसान से पता लगा सकती हैं कि आपका ओविलेशन कब स्टार्ट हुआ है। पीरियड स्टार्ट होने के लगभग 12 से 14 दिन पहले का टाइम ही ओविलेशन का टाइम होता है, और ये पीरियड आने के 7 दिन पहले तक रह सकता है। ओविलेशन ही एक ऐसा टाइम है जिसमें अगर रिलेशन बनाया जाए तो प्रेग्नेंट होने के 90% चांस होते हैं। ओवुलेशन के टाइम पीरियड के 12 से 14 दिन पहले और उसके अगले 5 दिन तक आपकी फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप जल्दी प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो अपने ओवुलेशन का ध्यान रखें। मान लीजिए किसी महिला का पीरियड 25 तारीख को आता है तो उसका ओवुलेशन का टाइम 11 से 13 के बीच होता है, और अगर किसी का पीरियड 28 को आता है तो उनके ओवुलेशन का टाइम 14 दिन पहले होता है। तो कुल मिलाकर पीरियड के 7 दिन बाद ओवुलेशन साइकिल शुरू होती है और पीरियड के 7 दिन पहले तक रहती है, और इस टाइम को फर्टिलाइज स्टेज भी कहा जाता है। ओवुलेशन के दौरान अंडा अंडाशय से बाहर निकल कर फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है, क्योंकि ओवुलेशन के दौरान आपकी बॉडी पूरी तरह से फर्टाइल होती है, और इसी टाइम रिलेशन बनाने से प्रेग्नेंट होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, जहां पुरुष स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन की क्रिया पूरी होती है। ओवुलेशन और प्रेगनेंसी में सीधा रिलेशन है। सीधे बोले तो बिना ओवुलेशन के किसी भी महिला के लिए प्रेग्नेंट होना मुश्किल है। ओवुलेशन पीरियड के दौरान प्रेग्नेंट होने के लिए हर रोज़ रिलेशन बनाएं, और अगर रोज़ ना हो पाए तो एक दिन छोड़कर करें। ऐसा करने से स्पर्म और एक के मिलने के चांस बढ़ जाते हैं, जिससे आप आसानी से प्रेग्नेंट हो जाते हैं। और जिन्हें पीरियड टाइम पर नहीं आते हैं उन्हें प्रेगनेंसी शुरू करने से पहले अपने इरेगुलर पीरियड का इलाज करवाना चाहिए। प्रेगनेंसी करने से पहले पुरुष और महिला का शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से तैयार होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई महिला ज़्यादा टेंशन में रहती है तो उसका बुरा असर ओवुलेशन पर पड़ता है, जिससे प्रेग्नेंट होने में परेशानी आ सकती है। बच्चे पैदा करने के लिए महिला का वजन बैलेंस होना ज़रूरी है। वजन ज़्यादा होना और कम होना प्रेग्नेंट होने की पॉसिबिलिटी को कम करता है, और मोटापा ज़्यादा होता है तो बॉडी में एस्ट्रोजन अधिक बनता है जो ओवुलेशन में रुकावट लाता है। और अगर किसी लड़की का शरीर ज़्यादा पतला है तो उसे इरेगुलर पीरियड में प्रॉब्लम आती है, और अगर पीरियड की सही तारीख ना पता हो तो ओवुलेशन का टाइम पता करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में या तो इरेगुलर पीरियड का इलाज करवाएं या फिर कुछ महीने वेट करें और पीरियड की तारीख नोट करें, और किसी भी तरह के नशे से बचें, क्योंकि इससे आपकी फर्टिलिटी कमज़ोर होती है। तो आपको पता हो गया होगा कि जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए क्या करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।